दिन के समय में खुद को देखते हैं? मैंने अपनी लाइफ में जो भी काम किया वो 100% एफर्ट लेके काम किया. अभी मैंने कम और ज़्यादा मैंने आज पॉलिटिशियन अगर या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आज मानता हूँ तो आई एम 24/7 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, क्योंकि मेरे जहन में कभी ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम के लिए पॉलिटिक्स में हूँ या एक समय के लिए. ऐसा नहीं, नाउ आई एम 24/7 पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. तो मेरा राजनीति में आने का जो थॉट था मेरा खुद का ये था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल गई, हमारा जो मुल्क है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है. और इस भारत में जो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकली कहीं पर अगर कठिन परिस्थितियों वाली कोई जगह है तो राजस्थान, और राजस्थान पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में जो है वो हमारा भारत में समझ रहा है. तो वहाँ की समस्याएँ अलग हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी आगे आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेशन अलग है, खासतौर पर वहाँ का जो हुआ उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है. खासतौर पर जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, तो वहाँ माइनिंग बहुत सारी हो चुकी है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के जो भंडार मिले हैं, रिफाइनरी भी आ गई है, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स भी हुए हैं. इसके साथ साथ हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या हैं, क्या होनी चाहिए और किस तरह से हमें उसी धारा के साथ में जो स्ट्रीम जो कह रही है उस स्ट्रीम के अंदर बराबर भागीदारी के साथ में ले जाया जाए, चलाया जा सके. क्योंकि आप आर्मी से हैं तो इसके लिए आर्मी से ही आप तैयारी कर रहे हैं. देयर इन सेंस कि मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव जो है आपका मतलब तो से चुनाव का एक बड़ा है, चुनाव जो है वो आपकी राजनीति का एक हिस्सा है. चुनाव ही सब कुछ है. जैसे कि हम लोग स्कूल में तो एनुअल एग्जाम के लिए हिस्सा होता है, पर हम एनुअल एग्जाम के लिए भी जो समय जो है वो पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल बहुत सारी एक्टिविटी जो होती है और हर साल हमारे पास हमारा एनुअल एग्जाम. उसी तरह से ही तैयारी से मेरा मतलब है कि मैं अपने इस चीज़ को तैयारी समझता हूँ, लोगों के बीच में लोगों की आवाज़ सुनूँ, लोगों की बात को सुनूँ, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं या उनकी जो वाजिब चीज़ें हैं मांगे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट तक कैसे पहुँच सकें और किस तरह से उन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है, लोगों के दुख दर्द को समझा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. ताकि मेरे हिसाब से हम एक क्लास में अगली क्लास मेरा 12वीं विधानसभा से कुछ भी एसीसी ने नाम दिया था और सोचा और मैं भी चाहता हूँ अपने लोगों को प्रेजेंट कर सकूँ, बातों को आगे पहुँचा सकूँ. ठीक है, मैं उदाहरण तौर पर आपको कुछ चीज़ें कि हम लोग सबसे सस्ती गिरन के नीचे रहने वाले लोग और सबसे गहरा पाताल से पानी निकाली के नाम लगता है. दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर कहीं पर साधन संसाधन की कमी हो तो वहाँ अपराध करता है, पर हम लोग सदियों से जो है बिना साधन संसाधन कल्पना की किस तरह से होगा फिर इतने कभी नहीं अपनापन चाहता है. अब आने वाले समय में जिस तरह चीज़ें बदल गई अगर हम लोग उस हिसाब से बराबर अगर भागीदारी नहीं पा पाए तो हम लोग अब वाकई में बहुत अच्छे. जैसे उदाहरण तौर पर कि आज भी इतने लंबे समय के बावजूद भी पानी एक बड़ी समस्या, आज भी एजुकेशन एक बड़ी समस्या है. हमारे यहाँ पर जब स्कूली सामान्यकरण के जब हम लोग योजनाएँ बढ़ती हैं तो उस समय व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि जयपुर में अगर दो स्कूल हैं एक किलोमीटर दूर हैं तो उनका मर्ज कर दो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर मॉडल ट्रांसपोर्ट नहीं हुए सब चीज़ है. पर अगर बाड़मेर जैसलमेर में आप दो किलोमीटर दूर स्कूल है और आपके प्राइमरी स्कूल इसमें फर्स्ट में या सेकेंड का जो बच्चा है वो उसके लिए जो है बहुत परेशानी हो जाएगी, उसके पास कोई मॉडल ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके पास जैसे पास स्कूल था उसके पास स्कूल था उसके लिए ब्लेसिंग थी. तो आप अगर हम लोग वो छीन लें तो हमारे लिए योजनाएँ जो हैं वो हमसे बाकी जो राज्य में बनती हैं बाकी जिलों की उससे अलग होनी चाहिए. हमारे लिए हमारी योजनाएँ जो हम लोग खुद तय करें, हम लोग बताएँ कि हमारे साथ ये समस्याएँ हैं. आज भी ट्रेन और
एयरपोर्ट की जैसी बड़ी समस्याओं का जो है दूसरे हैं बाहर में, आज भी एयरपोर्ट नहीं है, आज भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो इससे गलत तो हमारे साथ और क्या हो सकता है। आप देखते हैं।